जूम की 10th एनिवर्सरी पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टीवी की दुनिया के 10 ऐसे डबल धमाके जिन्हें आप रोज अपने फेवरेट शोज में देखकर एंजॉय करते हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टेली स्टार्स की जो अपने शो में डबल रोल करते नजर आते हैं। नंबर 10 पर है उतरन वाली टीना दत्ता, जो अपने शो में इच्छा और मीठी दोनों का रोल निभाती आई हैं। इस माँ बेटी के किरदार का ये डबल रोल उन्हें इतना भारी पड़ा कि उन्हें इन दोनों रोल्स के लिए मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी तो कुछ ही समय बाद शो में इच्छा के कैरेक्टर को मार दिया गया ताकि टीना सिर्फ और सिर्फ मीठी के कैरेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। नंबर 9 पर है पवित्र रिश्ता वाली अंकिता लोखंडे, जो शो में अर्चना और अंकिता दोनों का ही रोल निभाती नजर आती हैं। इन दिनों कहानी का सारा फोकस अंकिता के कैरेक्टर पर है, गिविंग हर इनफ टाइम टू जगल बिटवीन हर कैरेक्टर्स। नंबर 8 पर है विवियन डिसेना, मधुबाला में आरके के रोल के साथ साथ विवियन को मिले कई मौके ऑडियंस के सामने अपने अलग अलग अंदाज पेश करने के। कभी वो आरके के हमशक्ल बने तो कभी उस हमशक्ल के बेटे। नंबर 7 पर है तुम्हारी पाकी वाले इकबाल खान, यानी कि अंशुमन राठौर। शो की स्टोरी को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए शो में अचानक ही हुई एंट्री अंशुमन की जुड़वा भाई आर्यमन की, लेकिन ये दोनों ही किरदार काफी शॉर्ट लिव्ड रहे थैंक्स टू इकबाल सडन एग्जिट फ्रॉम द शो। नंबर 6 पर है मधुबाला वाली मधु, यानी कि दृष्टि धामी। शो की टीआरपीज को बूस्ट करने के लिए शो में लाया गया था 20 साल का लीव। इस लीव की वजह से दृष्टि को मौका मिला एक ही शो में दो अलग अलग किरदार प्ले करने का, लेकिन इन सब चोटलों के बावजूद ये शो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। नंबर 5 पर है कबूल है वाली निखत, यानी अर्चना ताइडे। अपने पति और ससुराल वालों से परेशान निखत ने उन्हें सबक सिखाने के लिए शो में अपने हमशक्ल खुशबू का रोल प्ले किया। ये ना सिर्फ शो के लिए बल्कि निखत के लिए भी एक रिफ्रेशिंग चेंज था। नंबर 4 पर है रंगरसिया वाली सनाया ईरानी, जिन्होंने शो की शुरुआत में एक गांव की छोरी पार्वती का रोल निभाया, लेकिन नीचे जाती टीआरपीज को देखते हुए इस शो में इंट्रोड्यूस किया गया एक नया ट्विस्ट, जब पार्वती की मौत के बाद उसकी हमशक्ल मायरा की एंट्री करवाई गई। नंबर 3 पर है देवों के देव महादेव वाले मोहित रैना। कहते हैं भगवान तो अपने भक्तों के लिए कई अलग अलग रूप धारण करते हैं, और महादेव बने मोहित को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ा अपने ऑडियंसेस के लिए, जब अचानक एक साथ शो में दिखे दो दो मोहित रैना, एक महादेव के रोल में तो दूसरे जलंधर के रोल में। नंबर 2 पर है प्यार का दर्द वाली दिशा परमार, पंखुरी की मौत के बाद शो में एंट्री हुई आयशा की, जिसका रोल भी दिशा ने निभाया था। अब जब इस न्यू ट्रैक के बावजूद शो को कुछ खास अटेंशन नहीं मिला, तब इस शो में वापसी हुई है पंखुरी की। एंड फाइनली नंबर 1 पर है कबूल है वाली सुरभि ज्योति। कबूल है में जोया का कैरेक्टर प्ले करने के बाद सुरभि को मिला मौका जोया की बेटी सनम का रोल प्ले करने का, और अब आलम ये है कि सुरभि का ये डबल रोल एक तरह से बन गया है ट्रिपल रोल, क्योंकि अब एक ही वक्त पर सुरभि आपको सनम के अलावा अपनी बिछड़ी हुई जुड़वा बहन सहर के रोल में भी नजर आएंगी।